हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल. माय सेल्फ कुंदा नारखेडे मिस. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शिव छत्रपति इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट टू स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 12 द सीन्स ऑफ पुरंदर एंड द ट्रिटी विद द मुगल एम्परर. इसका मतलब है पुरंदर का वेड़ा और तह, यानी पुरंदर को घेर लिया गया था और संधि भी प्राप्त की थी. किसने? शिवाजी महाराज ने. बच्चों, पिछले लेसन में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हल्ला किया था, लेकिन शाइस्ता खान शिवाजी महाराज के हाथ से छूट गए थे. फिर उसके बाद क्या हुआ वो हमको इस लेसन में देखना है. आपका पहला पॉइंट है इस लेसन में रेड ऑन सूरत, यानी सूरत पर छापा. तो अभी शिवाजी महाराज ने सूरत पर कैसा छापा मारा वो इसमें आपको देखना है. हमको पहला पॉइंट देखना है रेड ऑन सूरत, यानी सूरत पर छापा. आफ्टर दिस ड्रीम शिवाजी डिड नॉट सिट आइडल. औरंगजेब ट्रूप्स वेयर लेइंग वेस्ट द होल ऑफ महाराष्ट्र टू ब्रिंग द एम्परर टू हिज सेंसेस. शिवाजी कैरिड आउट हिज डेरिंग रेड ऑन सूरत. सूरत वॉज सो फार अवे फ्रॉम पुणे दैट नो वन बट शिवाजी कुड हैव दो ऑफ दिस डेरिंग रेड. सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी. शिवाजी कैरिड आउट द रेड सक्सेसफुली एंड ब्रॉट होम अ बुटी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज. शिवाजी डिड नॉट फोरसेक एथिक्स इन द रेड ऑन सूरत. ही स्प्रेड द चर्च एंड मॉस्को. ही डिड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट टू वुमन. तो देखिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा कैसे मारा. जब शिवाजी महाराज ने विजय प्राप्त की थी तो वो चुप नहीं बैठे थे. औरंगजेब बादशाह के जो फौज थे उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत उपद्रव मचा दिया था. तब बादशाह को चुप बैठाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा. कहा पुणे और कहा सूरत. और सूरत उस टाइम पे मुगल मुल्कत का बड़ा व्यापार पेट था और वो बहुत बड़ा शहर भी था, यानी बहुत बड़ा गांव था. शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मार के लाखों रुपए की लूट प्राप्त की थी. और इस सूरत पर छापा मार के जब शिवाजी महाराज ने इस सूरत पर छापा मारा तो उन्होंने अपनी नियति नहीं छोड़ी थी. उन्होंने क्या किया, चर्च और मस्जिद को भी हाथ नहीं लगाया और औरतों को भी उन्होंने परेशान नहीं किया. द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इन टू अ फ्यूरियस रेज. ही नाउ डिसाइडेड टू पुट ऑन एंड टू मराठा किंगडम. ही ऑर्डर हिज ग्रेट जनरल मिर्झा राजे जयसिंग टू हम्बल शिवाजी टू असिस्ट मिर्झा राजे इन द कैम्पेन. ही सेंड विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान. द टू लैंडेड इन द डेक्कन विथ अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड. स्वराज वॉज इन रियल डेंजर. और देखिए जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा तब इसकी वजह से बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया था. उसने क्या किया, मराठों का राज्य नष्ट करने का निश्चय किया. और उन्होंने बादशाह ने फिर क्या किया, शिवाजी महाराज के पास मिर्झा राजे जयसिंह को भेज दिया, इस सेनापति को भेज दिया. और यानी शिवाजी महाराज को मारने के लिए मिर्झा राजे जयसिंह को भेज दिया. और उनके साथ दिलेर खान उनका विश्वासु सरदार भी था. और देखिए उन्होंने क्या किया, जब शिवाजी महाराज को मारने वो निकले तब उन्होंने बहुत सारा खजाना
और दारूगोला ही अपने साथ लिया था। जयसिंह और दिलेर खान की फौज बहुत प्रचंड थी और वो साउथ में जाकर पहुंच गए। इसकी वजह से क्या हुआ, स्वराज पर बहुत बड़ा संकट आ गया। इमिजिएटली आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द एक्सपीडिशन ऑफ सूरत इन 1664 AD, शिवाजी महाराज हर्ड अ सैड न्यूज। शाहजी राजे हैड सफर्ड एन इंसिडेंटल डेथ व्हाइल ऑन अ हंट। शिवाजी एंड जिजाबाई वेर ग्रेटली ग्रीव्ड, होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम। शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर। फिर देखिए, शिवाजी महाराज ने सूरत पर छापा मारा और वो उस मुहिम को पूरा करके लौट रहे थे। ये कब, 1664 में, जब वो कर्नाटक से लौट रहे थे, तब यानी वो सूरत पर छापा मार के जब लौट रहे थे तब उनके कान पर एक दुखद न्यूज़ आई। कौन सी? कि शाहजी राजे गुजर गए, उनका अपघाती निधन हो गया। इस पर क्या हुआ, शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता इन पर बहुत बड़ा दुख का डोंग यानी उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया। फिर शिवाजी महाराज अपने मातोश्री के गोद में जाकर रोने लगे और उन्होंने बहुत बड़ा दुख सह लिया था। बच्चों, अगला पॉइंट है सीन्स ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी, यानी पुरंदर को मुगल ने कैसे घेर लिया। पुरंदर वॉज वन ऑफ शिवाजीज बिग अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट। दिलेर खान न्यू दैट शिवाजी कुड नॉट बी डिफिटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। ही देयर फोर लेड सीज टू हिज पावरफुल फोर्ट। ही हैड अ ह्यूज आर्मी अंडर हिज कमांड। मुरारबाजी वॉज इन चार्ज ऑफ द फोर्ट। ही वॉज अ डिटरमाइंड फाइटर हु वुड नॉट इजिली एल्ड टू थ्रेट्स। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रूप्स। विद देयर हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट। पुरंदर ये एक किले का नाम है। तो ये किला बहुत बड़ा और बड़कट था, और किसका था ये किला, शिवाजी महाराज का था। और ये किला शिवाजी महाराज से छीन लेना चाहते थे। कौन? दिलेर खान। तो दिलेर खान ने क्या किया, पुरंदर को पुरंदर किले को घेर लिया। उसके साथ बहुत बड़ी फौज थी, और जो पुरंदर किले का जो किलेदार था मुरारबाजी, वो बहुत शूरवीर मावड़ा था। और उसने क्या किया, उसके साथ जो शूर सिपाही थे उन सिपाही को भी यानी उन सैनिकों को भी मुरारबाजी ने अपने साथ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। दिलेर खान्स गन्स वेंट इन टू एक्शन। फायरी कैनन्स बॉल्स बिगन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मेन हेल्ड ऑन द फर्स्ट बेस्टियन ऑन द माची कैलप्स अंडर गन फायर। दिलेर खान्स ट्रूप कैप्चर द लोअर फोर्ट। द मराठास विदड्रॉ टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैम्प। दिलेर खान के पास बहुत बड़े बड़े तोहफे थे, और उस तोहफे से बहुत बड़े बड़े दारू गोला बाहर निकल रहे थे। और फिर ये गोले उस पुरंदर किले पर जाकर पहुंच गए, लेकिन फिर भी मुरारबाजी और वो मावड़े पीछे हटे नहीं। वो आगे बढ़कर दिलेर खान से लड़ते रहे। फिर क्या हुआ, दिलेर खान ने भी वो उस तोहफों का भड़ीमार किया। वो जो माची का बुरुज था वो भी उन्होंने गिरा दिया। मुगल उस माची पर घुस गए।
दिलेर खान ने वो माची जीत ली, और फिर क्या हुआ, उस मराठों ने, अभी दिलेर खान मुगल को लेकर वहाँ पे पहुँच गए, और मराठों ने क्या किया, वो बाले किला जो था वहाँ पे आश्रय लिया, और वो दिलेर खान से लड़ते रहे। फ्यूरियस विथ रेज, मुरार बाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल ट्रूप्स विथ अ सिलेक्ट कॉन्टिजेंट ऑफ 500 मैन। ही ओपन द गेट्स ऑफ द अपर फोर्ट, शूटिंग देयर वॉर क्राय हर हर महादेव। द मावलास फेल ऑन द मुगल ट्रूप्स आफ्टर अ फायस बैटल विथ लास्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। द मराठास रोटेड द ह्यूज मुगल आर्मी विच फील्ड टूवर्ड्स दिलेर खान्स कैम्प। मुरारबाजी, फिर देखिए ये दिलेर खान अंदर घुस गया, फिर मुरारबाजी को बहुत गुस्सा आ गया, उसका चेहरा लाल लाल हो गया, और उसके साथ 500 मावले थे, उस 500 मावलों को लेकर उसने क्या किया, उस मुगल पर हल्ला किया। जो बाले किला था वो उसका दरवाज़ा उसने खोल दिया, और हर हर महादेव ऐसी गर्जना करके मुरारबाजी और वो उसके साथ जो मावड़े थे वो मुग़ल पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में मुग़ल की सैन्य बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मराठों ने क्या किया, मुरारबाजी ने क्या किया, उस सैन्य को मारते गए, वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने वो पीछे हटे नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, वो मुग़ल मराठों से घबरा गए और वो पीछे हट गए, और फिर वो दिलेर खान को छोड़ के भागने लगे। मुरारबाजी फॉलोड देम इन हॉट pursued with his troops, he entered the camp of Diler Khan and brought havoc there. The enemy troops were in flight and the Marathas in pursuit. Cries and shouts filled the whole camp. In great hurry, Diler Khan mounted his elephant and looked ahead. There was Murarbaji hacking the soldier to pieces. His sword moved like lightning, cut throats, broke heads, and pierced the hearts of the enemy. No one could stop him or hold him in check. Diler Khan watched in admiration his great deeds of bravery. फिर मुरारबाजी ने क्या किया, वो मुग़ल वहाँ से भागने लगे तो मुरारबाजी ने उनका पीछा किया। मुरारबाजी के सैन्य दिलेर खान के पीछे दौड़ने लगे, वो वहाँ पे चले गए, और फिर क्या हुआ, उस छावनी में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और वहाँ पे हाहाकार मच गया। फिर दिलेर खान भी घबरा गया, और वो उसने क्या किया, वो अपने हाथी पर बैठ गया और सामने देखा तो सामने मुरारबाजी वहाँ आकर खड़ा हो गया। मुरारबाजी ने तलवार निकाली और दिलेर खान के मस्तक में जोर से वो तलवार मारी। फिर मुरारबाजी का चेहरा बहुत गुस्से से लाल हो गया था, तो मुरारबाजी किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, और ये देखकर दिलेर खान उसको बहुत शौक लग गया। वो बड़े शौक से उस मुरारबाजी को देखता रहा। अगला पॉइंट है मुरारबाजीज इनकम्पेरेबल वेलर, यानी मुरारबाजी का पराक्रम। सीइंग दिलेर खान, मुरारबाजी आस हिज ट्रूप्स टू अटैक इन फुल फोर्स एंड हिमसेल्फ एडवांस टूवर्ड्स दिलेर खान। हुएवर ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट him was cut to pieces. The Mughal troops at last surrounded Murarbaji on all sides. Just then Diler Khan shouted, "Wait, hold back your sword." The Mughal troops halted and moved back a little. Then Diler Khan addressed Murarbaji, "Until now I have not seen a swordsman
like you come over to our side. I promise you complete safety. The emperor will make you a sardar and reward you with a jagir. फिर देखिए दिलेर खान ने मुरार बाजी का वो गुस्से वाला चेहरा देख लिया और वो घबरा गया। फिर दिलेर खान को देखकर मुरार बाजी भी बहुत गुस्सा हो गया और फिर जोर जोर से बोलने लगा कि उसको तोड़ो, उसका सिर कटा दो, उसके सिर नीचे गिरा दो। ऐसे जोर जोर से बोल के वो मुरार बाजी शत्रु पर हल्ला कर रहा था। फिर क्या हुआ, मुरार बाजी ने हर एक मुगल को मार गिराया और फिर एक के बाद एक मुगल वो मारता गया। फिर बाद में क्या हुआ, मुरार बाजी को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। उतने में क्या हुआ, दिलेर खान जो हाथी पर चढ़ गया था वो हाथी से नीचे उतर गया और बोला कि स्टॉप, रुको। वो फिर मुगल पीछे हट गए, दिलेर खान की बात सुन के वो पीछे हट गए। फिर वो दिलेर खान मुरार बाजी को बोला कि मुरार बाजी, तुम्हारे जैसा शमशेर बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुम पीछे हट जाओ और हमारी तरफ हो जाओ, बादशाह तुम्हें सरदार की देंगे, जागीरी देंगे, बख्शीश देंगे। मुरार बाजी ने दिलेर खान के ये शब्द सुन लिए और फिर ये सुनने के बाद उसका चेहरा और लाल हो गया और उसकी आंखें भी लाल लाल हो गई। फिर आगे क्या हुआ, His eyes red with anger. Murar Baji said in return, We are the loyal servants of Shivaji Maharaj who wants to buy safety from you. Why would we come over to your side and wants your emperor Jagir? He then moved forward in the direction of Diler Khan and again started attacking his soldier. Diler Khan, who was seated in the howdah on the elephant back, released an arrow which pierced Murar Baji's neck. Murar Baji fell to the ground. His follower lifted his dead body and took it back to the upper fort. What if one Murar Baji is fallen? We too are brave like him. We will fight with courage. Saying so, they began to fight again without losing heart. फिर देखिए मुरार बाजी का चेहरा लाल लाल हो गया, उसकी आंखें भी लाल लाल हो गई और फिर वो जोर से चिल्लाने लगा कि हम शिवाजी महाराज के आदमी हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले और हम किसी की तरफ भी नहीं होने वाले, हम शिवाजी महाराज के ही हैं और हमको क्या कम है। अगर किसी को बादशाह की जागीरी नहीं चाहिए। और फिर ऐसे बोल के मुरार बाजी उस दिलेर खान की तरफ जाने लगा और उसने क्या किया, उस दिलेर खान पर टूट पड़ा, लेकिन दिलेर खान उसके चंगुल से छूट गया और उसने क्या किया, उसने बाण छोड़ा और थेट वो बाण मुरार बाजी के कंठ में जाकर पहुंचा और वो मुरार बाजी जख्मी हो गया और वो जमीन पर गिर गया। वो मुरार बाजी उस जमीन पर गिर गया और उसकी डेड बॉडी उस मावड़ों ने उठा ली और उन्होंने बाले किला उस डेड बॉडी को बाले किले पर वो लेके गए। किलेदार नीचे गिर गया, ये देखकर सब बहुत दुखी हो गए। एक मुरार बाजी गिर गया तो क्या हुआ, हम ऐसे ही शूर रहेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ऐसे बोल के सब मावड़े फिर से उस मुगल से लड़ने लगे। शिवाजी हर्ड द न्यूज़ विद ग्रेट सोरो। He knew that he could hold each one of his fort against the Mughal army, for at last
more than a year, but he was unwilling to do so at the cost of his men who would die in the attempt. शिवाजी महाराज को जब ये न्यूज़ पता चली तो वो बहुत दुखी हो गए और फिर उन्होंने वो एक वो सोचने लगे हर एक किला वो साल भर लड़ते रहे और फिर एक एक करके एक एक आदमी हमारे मरते रहे और ये शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था। अगला पॉइंट है ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी पुरंदर का घेरा यानी पुरंदर की संधि। व्हाट कुड बी डन ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल्स और हिज पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो ऑफ नो अवेल। देयर वॉज ओनली वन थिंग ही कुड डू ही डिसाइडेड ऑन अ टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम द फाइट ही वुड एंटर इन टू अ ट्रीटी विद द मुगल एम्परर ही वेंट एंड सो जय सिंह। दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड स्टेटमेंट लाइक थिंग्स टू डू। तो देखिए एक एक आदमी शिवाजी महाराज का मर रहा था तो ये शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया शक्ति से नहीं युक्ति से काम किया। फिर उन्होंने मुगल से तय किया और शिवाजी महाराज किसके पास गए जय सिंह के पास गए। जय सिंह को मिलने वो चले गए। फिर जय सिंह से उन्होंने बात की। ही सेड टू जय सिंह मिर्जा राजे यू आर अ राजपूत यू कैन अंडरस्टैंड अवर सफरिंग द एम्परर कैंपेन्स हैव लेड द कंट्री वेस्ट एंड पीपल आर इन ग्रेट मिजरी आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल मे बी हैप्पी यू शुड जॉइन मी इन दिस अपहिल टास्क इफ यू एग्री टू लीड अस माई सेल्फ एंड माई मौलास विल बी यूअर ट्रस्टेड फॉलोअर्स। जय सिंह वॉज अ श्रूड डिप्लोट। फिर देखिए शिवाजी महाराज जय सिंह से बोले कि जय सिंह मिर्जा राजे आप राजपूत हो और आप हमारा दुख जानते हो। मैं बहुत दुखी हूँ। बादशाह ने जो लड़ाई की उस लड़ाई में महाराष्ट्र का उपद्रव बहुत हो यानी महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हो गया था और महाराष्ट्र की प्रजा बहुत दुखी है। वहाँ के लोग सुखी नहीं है। इसलिए मैंने स्वराज्य का काम हाथ में ले लिया और आपने भी क्या करना है ये स्वराज्य का काम अपने हाथ में लेना है। आप हमारी तरफ हो जाइए सब मावड़े आपके साथ है। लेकिन जय सिंह बहुत धूर्त आदमी था। ही परस्यूड शिवाजी टू साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद द एम्परर। शिवाजी साइन द ट्रीटी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स 23 फोर्ट्स एंड अ टेरिटरी विद अ रिव्यू ऑफ 4 लाख हॉर्न्स अ गोल्ड कॉइन वेयर टू बी हैंडेड ओवर टू द एम्परर। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन इन 1665। फिर देखिए जय सिंह भी बहुत धूर्त आदमी था। उस शिवाजी महाराज ने जब ये संधि यानी ये तय किया था तो उसने भी तय किया कि क्या तय किया उसने कि शिवाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज के पास जो 23 किले थे तो वो किले मुलुक 4 लाख होन का मुलुक मुगल को देने का कबूल कर लिया और ये तय 1665 में हो गया। आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइन जय सिंह सजेस्टेड टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू आगरा एंड सी द एम्परर। ही अल्सो गारंटीज शिवाजी सेफ रिटर्न। शिवाजी दो ओवर द सजेशंस ही न्यू दैट द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड ही हैड
treacherous to his own brothers, but in the end Shivaji decided to take the risk and face the situation as cautiously as he could. He informed Jai Singh that he was willing to go to Agra to meet the emperor. Phir Purandar ka tay ho gaya. इसी टाइम शिवाजी महाराज आगरा चले गए और उन्होंने बादशाह से मिले, यानी उन्होंने बादशाह से मिलना चाहिए ऐसा जय सिंह सोचने लगा। और जय सिंह ने जब शिवाजी महाराज को बादशाह से मिलने की बात की तब उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी ली। शिवाजी महाराज ने इस पर सोचा, थोड़ी देर वो सोचने लगे। बादशाह बहुत कपटी था, उसने खुद के भाई के साथ भी दगलबाजी की थी, ये शिवाजी महाराज को मालूम था। फिर भी उन्होंने क्या किया, इस संधि को हाथ से जाने नहीं दिया। वो उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ गए और वो बादशाह से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। और शिवाजी महाराज ने ये जय सिंह को समझा दिया, यानी जय सिंह को कह दिया कि वो बादशाह को मिलने अभी आगरा जाएंगे। तो अभी आगरा जाकर क्या होने वाला है ये हम अगले लेसन में देखेंगे। इसी तरह ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये लेसन आपने रीड करना है। थैंक यू।